अच्छा तो खवातीन और हजरात, आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल करते हैं हम जिनको एक्सेल नहीं आता उनके लिए। और वो ये है कि हम इन जो हाइलाइटेड फार्मूलाज हैं, ये सबसे मशहूर और सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूले हैं एक्सेल के, तो हम इन पे गौर करेंगे आज। ठीक, किस तरह होते हैं इन सब का फॉर्मूले भी सामने आपको मिलेंगे और किस तरह यूज होते हैं वो पता चलेगा। बेसिक हम स्टार्ट से करते हैं। सबसे आसान और सबसे पसंदीदा फार्मूला हमारा है इफ का। तो हमें फार्मूला लगाते कैसे, हम इक्वल टू का साइन दबाते हैं, हम लिखते हैं इफ, ये तीन ऑप्शन देगा। फिलहाल हमें इफ सीखना, तो हम इफ करेंगे। इफ बेसिकली बताता है या तो एक स्टेटमेंट ट्रू है या तो उसके अलावा है। यानी मैं कहूँगा अगर सेम है तो एक वैल्यू दे दो, फॉर एग्जाम्पल 33 दे दो, और अगर ए नहीं है, एप्पल नहीं है, तो 0 दे दो, यानी मुझे पता चल जाएगा अगर एप्पल है या नहीं। या मैं कहता हूँ अगर एप्पल है तो ट्रू दे दो, नहीं है तो अगर एप्पल है तो उसकी वैल्यू दे दो वरना फॉल्स कर दो। तो मैं कहूँगा इफ, फिर मैं दबाऊँगा टैब, और टैब दबाऊंगा तो मेरे पास वो ऑप्शन दे देगा फॉर्मूला समझाने के लिए। थोड़ा सा इसको जूम कर, नहीं होता ये, हम कहेंगे लॉजिकल टेस्ट क्या है। अगर मेरा यहाँ ए एप्पल है, ए पी पी यदि एप्पल, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है अगर ये नंबर नहीं है तो, अगर नंबर तो वैसे भी लिख देंगे इक्वल टू का साइन करके। और अगर ये एप्पल है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एप्पल है तो इसकी वैल्यू 33 होनी चाहिए, या फिर और क्योंकि एप्पल है तो एप्पल की 33 भी है और एप्पल की वैल्यू 0 भी है, हमने कहा अगर एप्पल है तो आप कह दो भाई कि इसकी वैल्यू 33 है, नहीं तो आप कह दो कि एफ ए एन एस ई फॉल्स। ठीक, अगर मैं इसको एप्पल की जगह को नट कर दूं तो मुझे कहेगा फॉल्स, ऐसा नहीं है, तो फिलहाल हम सिंपलिसिटी के लिए एप्पल लेंगे। सही, फिर हम वी लुकअप में भी सेम काम कराते हैं और इसको फिलहाल के लिए हम गायब कर देते हैं, गायब कर देते हैं सबको। वी लुकअप में भी हम सेम कराते हैं कि हम एक पर्टिकुलर, हमारे पास एक टेबल होता है, एक फ्रेम होता है, एक एरे होता है, जो भी कहने आप, उस में से हम कंपेयर कराते हैं। तो वी लुकअप लिखा हमने और टाइप करके फॉर्मूला खोल दिया। अब हमने उसको पहले बताने लुकअप वैल्यू क्या करनी है, तो हम कहेंगे ये वाली हमने लुकअप करनी है, कॉमा दबाएंगे तो कहेगा टेबल एरे बताओ, जो मैंने बताया हमारा डेटा फ्रेम ये है, हमने डेटा फ्रेम दे दिया, हमने उसने पूछना है कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर क्या है, मतलब बेसिकली तो हम कहेंगे इसमें से सर्च करना है और कॉलम नंबर टू वैल्यू इधर से आएगी तो कॉलम नंबर टू है, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फॉल्स कर देंगे, टैब दबा के एंटर। हमें सम करना है तो सिंपल काम करना है, हमें सम लिखना है, टैप करना है और इस रेंज को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है, तो हमारे पास 178 आ जाएगा। सम इफ करना है तो सम इफ का मकसद होता है बेसिकली कि एक से ज़्यादा अगर फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा एंट्रीज हैं स्लीप की, तो हम कहेंगे स्लीप को, स्लीप का टोटल चाहिए, हमें पूरे का टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्लीप का टोटल चाहिए। हम कहेंगे सम इफ रेंज, रेंज हमारी ये पूरी होगी, क्राइटेरिया हमारा स्लीप होगा और हमारा जो सम करने का वो है रेंज वो ये, तो हमारे पास टोटल 37 है, 37 74, इनको हाईलाइट करके यहाँ पर भी सम देखने बराबर है। नेस्टेड इफ कहता है
कि भाई एक से ज्यादा इफ लगा रहे दो कंडीशन, यानी अगर हमने कहा कि ये चीज एप्पल है, एप्पल है, आप यही वैल्यू दे दोगे तो आप ट्रू बोल दोगे, ट्रू। नहीं तो अगर ये वैल्यू बराबर है स्लीप के तो आप हमें सम इफ की, तो आप हमें सम इफ की वैल्यू दे दोगे। नहीं तो आप सिर्फ कहोगे भाई दोनों गलत बातें हैं और फॉल्स, तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर एप्पल था। नहीं तो अगर यहाँ स्लीप होता तो ये फॉल्स कर, तो इसका समझ की वैल्यू देता। लेकिन अगर एप्पल भी नहीं होता, स्लीप ही नहीं होता, तो ये कोकोनट होता तो ये भी फॉल्स होता। ये तो पहली कंडीशन में फॉल्स हो ही गया था और हमारी बात प्रूफ हो जाती। सिंपल।